नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचन टू किचन में। आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट। ये चॉकलेट बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही डिलीशियस है। और इस चॉकलेट को बनाने के लिए ना ही मैंने कोका पाउडर का यूज किया है, ना ही डार्क चॉकलेट का यूज किया है और ना ही चॉकलेट मोल्ड का यूज किया है, क्योंकि सभी के घर में चॉकलेट मोल्ड नहीं होता है। तो आज इसीलिए मैंने इस चॉकलेट को विदाउट मोल्ड बनाया है और बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत डिलीशियस है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी दीपावली। तो चलिए शुरू करते हैं हम डिलीशियस चॉकलेट बनाना। होममेड चॉकलेट बनाने के लिए मैंने लिया है बादाम। आप बादाम के जगह पे कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इसे हम सेंटर में फिल करेंगे चॉकलेट का, तो इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे बाद में। चॉकलेट सिरप लिया है, किसी भी ब्रांड का चॉकलेट सिरप आप ले सकते हैं। और चॉकलेट स्प्रेड लिया है, ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और आसानी से आसपास की दुकान में मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम चॉकलेट बनाना। सबसे पहले हम बादाम को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा घी में हम इसे रोस्ट करेंगे। तो घी ले लिया है 2 बड़े चम्मच और उसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बादाम और बादाम को कंटिन्यू चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है बादाम का, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो ये फ्राई कर लिया है बादाम को, और एक बाउल ले लिया और बाउल में हम चॉकलेट स्प्रेड डाल देंगे। चॉकलेट स्प्रेड मैंने 4 बड़े चम्मच लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप 3 बड़े चम्मच डाला है और अच्छे से दोनों चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट सिरप डालते ही चॉकलेट स्प्रेड बहुत गाढ़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो गया है चॉकलेट स्प्रेड। तो अब हम इसे मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर के हेल्प से। तो पानी ले लिया है एक बर्तन में और ऊपर स्टैंड रख दिया है, और उसके ऊपर हम रखेंगे अपना चॉकलेट। बिल्कुल जो बर्तन है चॉकलेट वाला, वो पानी को नहीं टच होना चाहिए, सिर्फ जो बाफ आएगा पानी से उससे ये मेल्ट होगा, इस बात का ध्यान रखें। और गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो के बीच में रखें। तो आप देख सकते हैं चॉकलेट स्प्रेड अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल लूंगी। चॉकलेट स्प्रेड को मेल्ट होने में 5 से 6 मिनट लग गया था, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और इसे बिल्कुल गर्मा गर्म ही हमें सेट करना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से सेट नहीं होगा, और इसी बर्तन में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा चॉकलेट। तो इस बात का ध्यान रखिए कि गर्मा गर्म ही हमें इसे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो सबके फ्रिज में रहता है, जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, वो वाला स्टैंड, और उसमें हम 1/2 चम्मच मिश्रण लेंगे और उसमें डाल देंगे। और बीच में हम डालेंगे बादाम, एक बादाम लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हमें इसे रखना है। और फिर से थोड़ा सा चॉकलेट का मिश्रण लेंगे और ऊपर से हम इसे बिल्कुल कवर कर देंगे ताकि जो बादाम है बिल्कुल सेंटर में आ जाए। और एक छोटा वाला चम्मच ले लिया है और उसके हेल्प से हम अच्छे से इसे ऊपर से फ्लैट कर देंगे। एक और चॉकलेट में आपको बनाकर दिखाती हूँ। चॉकलेट का मिश्रण लेंगे, थोड़ा सा उसे डालेंगे, बीच में बादाम डालेंगे, बिल्कुल सेंटर में हमें डालना है ताकि बिल्कुल चॉकलेट के सेंटर में ये सेट हो। और ऊपर से थोड़ा सा और चॉकलेट का मिश्रण लेंगे और इसे डाल देंगे और फ्लैट कर देंगे छोटे वाले चम्मच से। इसी तरीके से मैं सारे चॉकलेट को भर देती हूँ। बहुत आसान है ये चॉकलेट बनाना। तो देखिए मैंने सारे चॉकलेट के मिश्रण को अच्छे से
भर दिया है, शेप दे दिया है, तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी 40-45 मिनट के लिए। और अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप इसे फ्रीजर में रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद ये सेट हो जाएगा। तो हम 40-45 मिनट के बाद चेक करेंगे इसे, तब तक मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। 45 मिनट हो गया और मैंने निकाल लिया, और आप देख सकते हैं चॉकलेट बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम चॉकलेट को निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले हम नीचे से इसे हल्के हल्के हाथों से रब कर देंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए। और अब मैं इसे टेढ़ा कर दूंगी थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से जो चॉकलेट है वो निकल गया है ट्रे में से, और बहुत अच्छे से ये जमा है, बहुत अच्छे से सेट हुआ है चॉकलेट हमारा। और अगर नहीं निकले तो आप चाकू ले लीजिए और चाकू के हेल्प से हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये निकल रहा है, बस चाकू से आप हल्का सा उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो अपने आप ही वो निकल जाता है चॉकलेट। सारे चॉकलेट को मैंने निकाल लिया है ट्रे में से, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में। एक चॉकलेट में आपको रैप करके दिखाती हूँ, ये कागज आपको दुकान में मिल जाएगा। तो एक चॉकलेट लेंगे, सेंटर में रखेंगे और इसे अच्छे से हम पैक कर देंगे। अगर आप बच्चों को ऐसा पैक करके देंगे चॉकलेट तो उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि आपने ये चॉकलेट घर में बनाया, और काफी हेल्दी है क्योंकि हमने बीच में इसे बादाम सेंटर में फिल किया है। एक चॉकलेट को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया, दिखने में भी कितना डिलीशियस लग रहा है, और आप इसे दिवाली में गिफ्ट भी कर सकते हैं पैक करके। दिवाली के शुभ अवसर पे आप इस चॉकलेट को जरूर बनाएं, बहुत आसान है बनाना और खाने में बहुत डिलीशियस है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।